हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। दोस्तों दिन के 2-3 बज गए हैं लेकिन अभी तक सुबह से कोई काम नहीं आया, तो मैं सोचा चलो घर का ही कुछ काम कर लेते हैं। तो मेरे नज़र में आया ये टंकी जो कि हमारे घर में सामने ही पड़ा रहता है, हम लोगों ने रखा था धूप के महीने में जानवरों को पानी देने के लिए। तो उसको देखा तो ऐसे बहुत मैला हुआ पड़ा था, बहुत कचरा था, बहुत काई जम गया था। देखिए कितना गंदा पानी इसमें आ रहा है पानी भरते ही। तो मैंने सोचा गाड़ी इसको साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि एक गाय ऐसे ही हमारे घर से लौट गई थी, वो पानी ढूंढ रही थी। तो देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, इसको अभी मैं साफ़ सफाई करूँगा पूरा, अच्छी तरह से इसको रगड़ूंगा, जितना काई था सब इसको निकालूंगा यहाँ से। जितना घसता हूँ दोस्तों उतना ही गंदगी आ रहा है पानी में। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको दोस्तों साफ़ सफाई करने शुरू कर दिया। बहुत मैला था, आधा घंटा मुझे लगा इसको पूरा साफ़ सफाई करने में। कितना गंदा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ घर में रहता हूँ, कोई काम नहीं आता है 12-1 बजे तक, तो मैं सोचता हूँ दोस्तों घर का ही थोड़ा बहुत काम कर लूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बिजी रहते हैं, क्योंकि मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आता है। खुद को बिजी रखना बहुत अच्छा है दोस्तों, कुछ अच्छा काम करने में कोई शर्म नहीं। तो ये पानी, ये ठंडी का मौसम, अभी जस्ट ठंडी का मौसम आने वाला है, बारिश का मौसम गया। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पानी जमा होता है, तो जानवर पानी पी लेते हैं, तो उससे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता। तो अब मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से कि बारिश नहीं हो रहा है और धूप बहुत जोर हो रहा है, तो इसको साफ़ सफाई करना और इसको यूज़ करना अच्छा रहता है। क्योंकि इसको हम ज़्यादातर के धूप के महीने में यूज़ करते हैं, क्योंकि जानवर हमारे यहाँ पे आते जाते रहता तो उन पानी को पानी ढूंढना रहता तो पानी मिल जाता है उनको। तो अभी ये धीरे धीरे देखे दोस्तों, अभी दोस्तों देखो दोस्तों मैं साफ़ सफाई करके कितना पूरा इतना क्लियर पानी आ गया। अभी पानी भरते भरते पानी भर रहा हूँ, अभी टंकी फुल करूँगा तो कोई ना कोई जानवर आएगा पानी पिएगा। वो मैं देखा वो दूर पे अभी भी, मतलब देखो यहाँ पे गाय घूम रहे हैं, वो लोग खाते हैं यहाँ पे घास सब, मतलब बारिश के बाद जितना घास हो जाता है वो लोग खाते हैं, तो पानी पी के जा पीना पानी पीते हैं। तो ये काम तो दोस्तों ये हो गया। तभी दोस्तों अब मैं चला सोने, जब सोने चलता हूँ तो एक कॉल आता है मुझे और बोलते हैं कि दो तीन घंटे का काम है, आप आ सकते हो क्या, एक पूजा है बस रात को, मतलब 6 से 11 का काम था। तो ये इनोवा, इनके साथ मैं गया था एक बार भुवनेश्वर, उन्होंने मेरा नंबर रखा था और बोला था आप फ्री हो तो, क्योंकि इनका परमानेंट ड्राइवर रहता है, लगता है आज इनका परमानेंट ड्राइवर छुट्टी पे था, तो उस टाइम मैं फ्री था तो आ गया। दोस्तों अभी देखो ये इनोवा क्रिस्टा है और इनको 2-3 ट्रिप, उनके घर में घर के मेंबर को 2-3 ट्रिप करना है एक जगह से एक जगह, वो लोग पूजा में जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में लाइट भी है, चला अच्छा है। तो वो शायद आ गए, उनको बिठाऊंगा। ये गाड़ी का बहुत जगह है गाड़ी पे, बहुत मतलब अच्छा लगता है गाड़ी इनोवा, मतलब बड़ा फैमिली के लिए बहुत बढ़िया। आप भी इनोवा तो आप भी कमेंट कीजिए आपके पास अगर, तो हम लोग का ड्राइवर यही ड्राइवर का काम यही रहता है, मतलब जो जिस टाइम में बोलिए हम गाड़ी स्टार्ट करके, मैं उनको छोड़ने के अलावा पहला ट्रिप हो गया, उनको छोड़ के जस्ट बैक कर रहा हूँ और एक ट्रिप लेना है, 2-3 ट्रिप लेना है, मतलब एक जगह से एक जगह, मतलब ज़्यादा मेम्बर थे फैमिली में। तो हम चलते हैं दोस्तों अपने दोस्तों, देखिए दोस्तों ये अब दशहरा का टाइम है, हर जगह पूजा कोई कोई करते रहता है, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम रहता ही नहीं है कि मैं अब टाइम पूजा भी क्या करूं दोस्तों, पैसा पानी वैसे ही कम रहता है मेरे पास, मतलब 200-300-400 जो कमाई होता है घर के खर्च में चला जाता है। और हम काम कर रहे थे इनोवा किस्टा, रात का नज़ारा कितना अच्छा है हमारे यहाँ पे टाउन पे। तो जब मैं उनको वहाँ पे अपने उनको जगह पे छोड़ दिया, ये उनका एरिया है, वहाँ पे उनका वो पूजा वजा चल रहा है, तो मैं चला थोड़ा चाय पानी पी लूँ। थोड़ा सोचा ये चलते चलते अपने चाय के खोज में दोस्तों, मैं जब भी गाड़ी रखता हूँ चाय ज़रूर पीता हूँ, क्योंकि बिना चाय में मतलब फुर्ती नहीं होता है जो भी मिले। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक जगह पे मुझे चाय मिल गया जो कि टेस्ट अच्छा था, और खाना भी वहाँ पे बोले कि हम आपको फ़ोन करेंगे आप आ जाना खाना, वहाँ पे पीछे बिल्डिंग में पूजा चल रहा है, तो आप हमको हम आपको फ़ोन करेंगे और आप खाना खाने आ जाना। तो खाना भी अच्छा था, पूरी था, सब्जी था, और खाना खा के जस्ट मैं अभी गाड़ी में भी आ गया रिटर्न। देखो दोस्तों अब मैं यहाँ पे उनका वेट करूँगा, जब वो मतलब आएंगे तो रात को 11 बजे तक, अभी है 10 बजा है, और एक घंटे 1.5 घंटे बाद वो शायद मुझे बुलाएंगे और
हम निकल जाएंगे। उन्होंने दिया दोस्तों 500 रुपया 6 से 11 का टाइम।